और वहीं ग्रेटर नोएडा के दादरी क्षेत्र में लगी भीषण आग, जहां नवीन मंडी में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूखी झाड़ और कबाड़ में भीषण आग लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए किस तरह से यहाँ पर आग ने विकराल रूप लिया और ये भीषण आग लगी है। लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो ग्रेटर नोएडा थाना दादरी क्षेत्र के नवीन मंडी की पूरी घटना है, जहां पर भीषण आग लगी। ये तस्वीरें आपको ग्रेटर नोएडा की दिखा रहे हैं, दादरी क्षेत्र की, जहाँ पर भीषण आग लगी थी और आग लगने के बाद से अफरा तफरी का माहौल हो गया। फिलहाल सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। वहीं नोएडा में त्योहारों से पहले एक्शन में पुलिस दिखाई दे रही है। दरअसल महिलाओं की सुरक्षा और पेट्रोलिंग इसके साथ ही चेकिंग बढ़ा दी गई है। सीपी के निर्देश पर बाजारों में ये पैदल मार्च निकाला गया और सभी जोन के डीसीपी एडीसीपी मौजूद रहे। पुलिस बल के साथ एसीपी और थाना प्रभारी भी शामिल रहे। सभी ने अपने अपने क्षेत्रों में पैदल मार्च निकाला। संदिग्ध वाहनों व्यक्तियों को चेक किया गया, उनसे पूछताछ की गई। और आपको बता दें कि पैदल मार्च के दौरान पुलिस की तरफ से सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले व्यक्तियों की चेकिंग की गई और शराब की दुकानों के आसपास के सभी दुकानदारों और होटलों को किसी भी व्यक्ति को शराब ना पिलाने की चेतावनी दी। और पुलिस अधिकारियों ने वरिष्ठ नागरिकों महिलाओं से बातचीत करते हुए उनसे उनकी समस्याओं के बारे में पूछा और पुलिस हेल्पलाइन नंबर भी साझा किया है। तो ये नोएडा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर त्योहारों से पहले पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि यहां पर पुलिस की गश्ती बढ़ा दी गई है। सभी जोन के डीसीपी एडीसीपी पैदल मार्च करते हुए नजर आए। संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों को रोका गया, पूछताछ की गई और वाहनों की चेकिंग की गई। महिलाओं की सुरक्षा पर पेट्रोलिंग और ये चेकिंग जो है की जा रही है। तो नोएडा में त्योहारों से पहले पुलिस एक्शन में महिलाओं की सुरक्षा पर पेट्रोलिंग और चेकिंग की जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें, नोएडा में त्योहारों से पहले पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। और आगे बढ़ते हुए प्रतापगढ़ से आ रही बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां टैंकर से लीक हुआ है गैस और गैस लीक होने से हड़कंप मच गया है। अयोध्या प्रयागराज एनएच पर लगातार रिसाव जारी है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम मौके पर पहुंची है। पुलिस टीम ने लीकेज टैंकर के आसपास 3 किलोमीटर तक वाहनों का आवागमन जो है रोक दिया गया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए, आपको बता दें कि इस पूरे मामले में धुपिया मऊ से सराय सागर तक के रास्ते को बंद कर दिया गया है। लीकेज गैस टैंकर से निकलते गैस के रिसाव से कोई बड़ा हादसा ना हो, इसको लेकर लगातार पुलिस प्रशासन वहां पर अपनी नजर बनाए हुआ है और हादसा इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है कि किसी भी तरह का कोई हादसा ना हो गैस रिसाव की वजह से। तो गैस के रिसाव को रोकने के लिए प्रयागराज से स्पेशल टीम भी बुलाया गया है। तो स्पेशल टीम को बुलाया गया है, लेकिन अभी इस पूरे हालात पर लगातार पुलिस प्रशासन की नज़र बनी हुई है। जो गैस लीकेज हो रहा है, देखिए तस्वीरें भी दिखा रहे किस तरह से यहाँ पर ये गैस रिसाव हो रहा है और इससे कोई हादसा ना हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। अयोध्या प्रयागराज एनएच पर ये गैस रिसाव हो रहा है, जहां पर सूचना मिलते ही पुलिस टीम और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची हुई है। किसी भी तरह से कोई अनहोनी ना हो, कोई हादसा ना हो, इसको लेकर पुलिस लगातार एक्टिव है। फिलहाल इस गैस रिसाव को रोकने के लिए स्पेशल टीम को बुलाया गया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए किस तरह से यहाँ पर गैस रिसाव हो रहा है, जिसकी वजह से एक हादसा होने की संभावना है, कोई अनहोनी हो सकती है, लेकिन फिलहाल अभी पुलिस की नजर लगातार बनी है। ज्यादा जानकारी के साथ देवानंद शुक्ला संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। देवानंद, अभी इस पूरे मामले में क्या जानकारी है, कितनी देर में जो स्पेशल टीम बुलाई गई हो पहुंचेगी? देवानंद, आपको आवाज मिल पा रही है?
तो आपको बता दें कि गैस रिसाव हो रहा है अयोध्या प्रयागराज एनएच पर, और ऐसे में गैस रिसाव होने की वजह से गाड़ी रोक दी गई है, और साथ ही फायर ब्रिगेड और पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी मिल चुकी है। पुलिस टीम लगातार तैनात है, किसी भी तरह का कोई हादसा ना हो पुलिस की नज़र बनी हुई है, और इस गैस रिसाव को रोकने के लिए स्पेशल टीम को भी बुलाया गया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एनएच की, जहां पर इस वक्त गैस रिसाव होने की वजह से गाड़ी को रोका गया है, और इसके साथ ही पुलिस टीम लगातार वहां पर तैनात है, किसी भी तरह का कोई हादसा ना हो इसको लेकर पुलिस की लगातार नज़र बनी हुई है, और स्पेशल टीम को बुलाया गया है इस हालात से उबरने के लिए। तो लगातार आपको बता दें कि तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एनएच पर गाड़ी रोकी गई है, गैस रिसाव हो रहा है, और इसके साथ ही प्रयागराज से स्पेशल टीम को बुलाया गया। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। पुलिस और एसओजी की मुठभेड़ हुई है बदमाशों के साथ, और 10 घंटे में बदमाशों से पुलिस की दूसरी मुठभेड़ भी हुई। मुठभेड़ में 3 बदमाश घायल और 3 फरार बताए जा रहे हैं। संभल के कुख्यात धाना गैंग से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। सदर बाजार एसएचओ हरेंद्र सिंह और एक सिपाही घायल भी हुए हैं। इस दौरान भारी मात्रा में असलहा, नकदी और कार बदमाशों के कब्जे से बरामद हुई है। तो सहारनपुर से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां एसओजी की टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। तो इस मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं और 3 बदमाश मौके से फरार हुए। तो बड़ी जानकारी, 10 घंटे में बदमाशों के साथ दूसरी भी मुठभेड़ हुई। फिलहाल इस मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही और एसएचओ भी घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल सदर बाजार एसएचओ हरेंद्र सिंह और एक सिपाही के घायल होने की जानकारी, और इसके साथ ही बदमाशों के कब्जे से भारी मात्रा में असलहा, नकदी और बाइक बरामद की गई है। तो सहारनपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। ऐसे में अब यूपी में लगातार ऑपरेशन क्लीन जारी है, और इसके साथ ही बदमाशों की खैर नहीं। आपको बता दें 10 घंटे में दूसरी मुठभेड़ भी हुई बदमाशों के साथ। फिलहाल इस मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं, और 3 बदमाश मौके का फायदा उठाते फरार हो गए, और फिलहाल उन 3 बदमाशों के लिए तलाशी अभियान जारी है। तो 10 घंटे में बदमाशों से पुलिस की दूसरी मुठभेड़ भी हुई। मुठभेड़ में 3 बदमाश घायल और 3 फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस की गोली लगने से 3 बदमाश घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। मुठभेड़ के दौरान एसएचओ हरेंद्र सिंह और एक सिपाही भी घायल हुए। तो बदमाशों के कब्जे से भारी मात्रा में नकदी, असलहा, कार बरामद की गई है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें 10 घंटे में बदमाशों से दूसरी मुठभेड़ भी पुलिस की। फिलहाल इस दोनों मुठभेड़ में 3 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं और 3 फरार हो गए। तो सहारनपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पुलिस और एसओजी की टीम जो है बदमाशों से मुठभेड़ हुई, और 10 घंटे में दूसरी मुठभेड़ हुई। फिलहाल मुठभेड़ में 3 बदमाश घायल हुए हैं, और धाना गैंग से ये 3 बदमाश बताए जा रहे हैं, जिनसे पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान सदर बाजार एसएचओ हरेंद्र सिंह और एक सिपाही घायल हुए। यूपी में दूसरी बार सत्ता में आई योगी सरकार ने, बिजनौर में भी बुलडोजर एक्शन में है वहां पर, और कई बीघे सरकारी ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करने वाले हत्या के आरोपी की जमीन पर पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर जमीन को कब्जा मुक्त कराया। आपको बता दें बिजनौर से सटे स्वाहेडी इलाके में 26 मार्च को देवेंद्र नाम का राशन डीलर अपने खेत में काम कर रहा था, और इसी बीच गांव के ही राम बहादुर नाम के व्यक्ति ने दिन दहाड़े गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। दबंग राम बहादुर ने अपने ही गांव में 2329 हेक्टेयर ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा कर रखा था। हालांकि मुख्य आरोपी सहित कई हत्यारे जेल की सलाखों में हैं। बिजनौर पुलिस प्रशासन ने टीम गठित कर मुख्य आरोपी राम बहादुर के चंगुल से आज बुलडोजर चलाकर जमीन को कब्जा मुक्त कराया। तो बिजनौर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला है, और योगी सरकार में बुलडोजर लगातार एक्शन में नजर आ रहा है। तमाम जिलों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही, जहां
अवैध कब्जों को ढहाया जा रहा है और जमीन को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। तो ऐसे में लगातार बुलडोजर एक्टिव नजर आ रहा है। विगत दिनों कोतवाली नगर क्षेत्र के ग्राम स्वाहेड़ी में लकड़ी के पाड़े को लेकर जो हत्या की वारदात हुई थी, उसमें नामित अभियुक्त राम बहादुर ने ग्राम समाज की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था। आज प्रशासन के सहयोग से उस कब्जे को हटाया गया, उस पर बुलडोजर चलाया गया, कब्जा मुक्त करा ली गई जो सरकारी जमीन उन्होंने कब्जा की हुई थी। वहीं मुरादाबाद में मिशन शक्ति अभियान को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से शहर के सिविल लाइंस क्षेत्र पंचायत भवन सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एडीजी बरेली जोन बरेली राजकुमार पहुंचे और उन्होंने महिला सुरक्षा दलों को संबोधित किया, साथ ही पुलिस के विजिटिंग कार्ड का भी विमोचन किया है। इस मौके पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन राजकुमार की तरफ से यूपी शासन की मंशा के अनुरूप मिशन शक्ति अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के संबंध में निर्गत दिशा निर्देशों से अवगत कराते हुए मुरादाबाद पुलिस के समस्त महिला सुरक्षा दलों को पंचायत भवन सभागार में संबोधित किया गया। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए एडीजी बरेली जोन राजकुमार ने बताया कि आज मिशन शक्ति के तहत एक जागरूकता अभियान का कार्यक्रम है और यहां आयोजित हुआ है, जिसमें महिला पुलिस कर्मियों के साथ साथ विभिन्न विभाग के अधिकारी कर्मचारी और आम जनता के लोग भी इसमें शामिल हुए। मुख्य रूप से मिशन शक्ति को आगे कैसे ले जाना है और महिला सुरक्षा महिलाओं में कैसे इस सुरक्षा की भावना व्यक्त हो, उसके लिए क्या क्या कदम उठाने हैं, इसके बारे में चर्चा की गई। महिला पुलिस कर्मियों को ब्रीफ किया गया। आज मिशन शक्ति के तहत एक जागरूकता अभियान का एक कार्यक्रम यहां आयोजित हुआ, जिसमें महिला पुलिस कर्मियों के साथ साथ विभिन्न विभाग के अधिकारी कर्मचारी और आम जनता के लोग भी इसमें शामिल हुए। मुख्य रूप से मिशन शक्ति के को आगे कैसे ले जाना है और महिला सुरक्षा को कैसे महिलाओं में सुरक्षा की भावना व्यक्त हो, इसमें क्या क्या कदम उठाने, इसके बारे में चर्चा की गई। महिला पुलिस कर्मियों को ब्रीफ किया गया। इसी के साथ साथ मुरादाबाद पुलिस द्वारा एक विजिटिंग कार्ड का विमोचन भी हुआ है। उस विजिटिंग कार्ड में, छोटे से कार्ड में, सभी तरह की सूचनाएं, सभी हेल्पलाइन के बारे में, सभी योजनाओं के बारे में जानकारी